नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बदलते मौसम के बीच जहां आवारा जानवर इन दिनों किसानों की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं, तो वहीं वन विभाग और सरकार के कुछ ना करने पर इन दिनों किसानों को खुद ही कुछ ना कुछ नया रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मामला इंदौर के धार का है, जहां धुलेट सहित आसपास के गांव अमोदिया, पिपरानी, दत्तीगांव, सोनगढ़ और दलपुरा के साथ साथ सोनगढ़ के किसान इन दिनों यहां नील गाय की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। यही वजह है कि यहां के किसान कुछ न कुछ अलग ढंग अपना रहे हैं। कोई बाड़ा लगा रहा है तो कोई खुद ही खेतों की रखवाली कर रहा है। हालांकि धुलेट के रहने वाले एक किसान रामू मारू ने अपने गेहूँ के खेत बचाने के लिए एक लाउड स्पीकर बनाया है, जिससे 700 मीटर के क्षेत्र में नीलगाय नहीं आती, जिसके चलते रामू के साथ साथ कई किसानों को भी फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि किसान रामू खेती के साथ साथ एक इलेक्ट्रिशियन भी हैं, जिन्होंने रिकॉर्डर में कुत्ते की आवाज़, पटाखे की गूंज और घंटी की आवाज़ रिकॉर्ड कर दी, जिससे नीलगाय सुनकर दूर चली जाती हैं। हालांकि रिकॉर्डर से नीलगाय या फिर आवारा जानवरों को दूर भगाना कोई बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। हालांकि जहां सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहे, ऐसे में मजबूर किसान ऐसा करने पर ही मजबूर हो रहे हैं। देश में जहां एक तरफ पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिए काम चल रहा है, तो वहीं देश के सभी राज्यों में इसको लेकर अन्य अन्य तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में पंजाब सरकार ने पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए और पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भधान में 4 गुना कटौती करने की बात कही है। आपको बता दें कि पंजाब के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गायों की नस्ल और भैंसों की नस्ल में सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भधान के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले सेक्स सीमन AI की कीमत को अब 300 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 1000 रुपये थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इम्पोर्टेड HF जर्सी सीमन के साथ AE की फीस को भी 200 रुपये में से 50 रुपये कम 150 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह कई अन्य सीमन की कीमतों में भी कटौती की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पशुओं की नस्ल को बेहतर करने के लिए साथ साथ दूध का उत्पादन बढ़ाना भारत सरकार की मुहिम नेशनल AI प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हर एक जिले के 300 गांवों के 20,000 पशुओं को मुफ्त में कृत्रिम गर्भधान मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जानवरों में होने वाले रोग के रोकथाम के लिए भी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है, जिस पर लगभग 5.45 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जहां कुछ ही समय में चना और सरसों की आवक शुरू होने वाली है, तो वहीं उसके पहले ही इनकी कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते किसानों को अभी से अपनी फसल में नुकसान होने का अंदेशा होने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में सरसों के दामों में 600 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं चना की कीमतों में 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल की कीमतों का डर सताने लगा है। तो वहीं दाम से अब तक उत्पादक मंडियों में चने का भाव 4000 से 4500 रह गया है, साथ ही सरसों का भाव 3950 से 4000 के बीच रह गया है। तो वहीं किसानों को अभी से इनकी कीमतों से डर लगने लगा है, जबकि केंद्र की मौजूदा सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020 से 21 में चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4875 रुपये, जबकि सरसों का MSP 4425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। गौरतलब है कि फरवरी के अंत से ही चना और सरसों की आवक मंडियों में आनी शुरू हो जाती है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता के बादल घिराए हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।